Good morning, dear student. I am Silpa Varma, teacher from Vimla Devi Public School. I am studying class 5th subject EBS. Today we done question answer part of chapter 26, The Journey of Seeds. Okay, let's start. Journey, Yatra, Dispersal, Prashar, Titar Bitar Karna, Trishtal, Kantedar Paudha, Entanglate, Uljhana, Uljhana, Brushed, Phodna, Phudna, Coast, Tati, ब्रस्ट फोड़ना पॉड फली थ्रॉन काटे फ्लोट तैरना स्कैटर्ड बिखरना बिग चोंच आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस हाउ आर द सेमल सीड्स डिपर्सेड जो सेमल का बीज होता है वो तितर बितर कैसे होता है या एक जगह से दूसरी जगह पे कैसे पहुंचता है Answer, the seed of semal silk cotton tree are enveloped in the fiber like that of the cotton seed. Semal ka jo seed hota hai, jaise cotton ke seed ko pura fiber jaise cover kiya rehta hai, waise hi semal ke seed ko bhi pura fiber jo hai cover karke rakhe rehta hai. Its fiber are carried away by the winds and scattered in the distant plains. इसके जो फाइबर्स होते हैं उसको हवा जो है उड़ा के एक जगह से दूसरी जगह के ले जाती है और इसके थ्रू ही बाय विंड हम कह सकते हैं बाय विंड जो सेमल सीड्स हैं वो डिपर्सेड होता है नेम द क्वेश्चन नंबर टू नेम द प्लांट विथ ट्रोनी सीड्स ऐसे प्लांट्स के नाम बताइए जिनके जो सीड हैं वो ट्रोनी होते हैं मीन्स कटीले होते हैं प्लांट्स विद ट्रोनी सीड्स आर ऐसे प्लांट जिनके सीड जो है या जिनके बीज जो है वो नुकीले होते हैं या कांटेदार होते हैं वो है गोखरू कस्टर्ड ऑयल सीड ब्लैक वॉयलेट सिल्वर वॉयलेट एक्सेट्रा ठीक है क्वेश्चन नंबर थ्री हाउ इज़ द सीड ऑफ कोकोनट फ्रूट डिपर्सेड अब जो कोकोनट का सीड है कोकोनट का बीज है वो एक जगह से दूसरी जगह पे डिपर्सल मीन्स एक जगह से दूसरी जगह पे जाता कैसे या कैसे ट्रेवल कर जाता है कोकोनट ट्रीज आर नॉर्मली फाउंड नियर द कोस्ट जो कोकोनट के ट्री हैं कोकोनट का पेड़ जनरली समुद्र के तटीय जगह पे समुद्र के किनारे पाया जाता है एज द रिजल्ट द कोकोनट फ्रूट्स ट्रेवल हंड्रेड ऑफ किलोमीटर अलॉन्ग विद द वे ऑफ फाइबर्स ऑन द कोकोनट फ्रूट्स हेल्प इन फ्रूट ऑन द वाटर यही कारण है कि इसका रिजल्ट यह होता है कि जो नारियल है वो नारियल का फल है वो गिरकर पानी में चला जाता है और पानी के थ्रू समुद्र का जो पानी है उसके थ्रू वो कई किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है और जो नारियल का छिलका होता है ना ऊपर का हिस्सा जो फाइबर्स वो नारियल को जो वाटर है उसको फ्लोट करने में हेल्प भी करती है क्वेश्चन नंबर फोर व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ सीड डिपर्सल जो बीज है वो बिखर जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाते हैं इसका लाभ क्या क्या है ये बताना है आपको आंसर सीड डिपर्सल हेल्प इन द प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स इट ऑल्सो हेल्प इन लार्ज सीड प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉप्स जो बीज है वो बिखर जाते हैं वो क्या हेल्प करते हैं अच्छी तरीके से वो बिखरते हैं तो एक जगह पे नहीं रह पाते हैं ना तो अलग अलग जगह होने के कारण उनका डेवलपमेंट जो है प्लांट का डेवलपमेंट भी बहुत अच्छे तरीके से होता है और ये जो सीड का डिपर्सन है वो बहुत ज़्यादा लार्ज मात्रा में अलग अलग अब अलग अलग जगह पे जाके बीज जो है उगने लगेंगे तो क्या है अलग अलग जगह पे पौधे भी उगेंगे और इससे क्या होगा प्रोडक्शन भी क्रॉप्स का जो प्रोडक्शन है फसल है वो भी अच्छा होगा ड्रॉ द गिवन सीड्स आपको दिए गए सीड्स को ड्रॉ करना है सीड्स दिया सैलोवर्ट या फुडहर ट्रिस्टल या गोखरू एंड कोकोनट्स तो आपको इन सब के पिक्चर ड्रॉ कर लेने हैं ये आपका सैलोवर्ट सेकेंड है ट्रिस्टल एंड थर्ड इज कोकोनट ओके क्वेश्चन नंबर सिक्स Given below are the various agents of dispersals of seeds. Given three example. आपको जो बीज के dispersal, बीज के बिखराव के अलग अलग तरीके दिए गए हैं इन तरीकों से कौन कौन से जो seeds हैं वो dispersal होते हैं dispersed होते हैं उनको आपको बताना है एजेंट ऑफ डिपर्सल ऑफ सीड्स ये एजेंट है ऐसे कारक हैं जिसके थ्रू जो बीज है वो डिपर्स बिखरते हैं और नेम ऑफ सीड्स ऐसे सीड्स जो दिए गए विंड्स के थ्रू बिखर जाते हैं बाय विंड हवा के द्वारा चिरौंजी फुडहर तुलसी बाय वाटर पानी के द्वारा कोकोनट्स टोमेटो मैंगो
बाय बर्ड्स एंड एनिमल्स, पशु पक्षियों के द्वारा गुआवा एनिस मार्गोशा, बाय मैन इंसानों के द्वारा वीट लेडी फिंगर मैच, बाय ब्रस्टिंग फूट कर सोयाबीन बीन एंड पीस। ओके दैट इज अवर चैप्टर नंबर 26 क्वेश्चन आंसर पार्ट कंप्लीटेड। ऑल क्वेश्चन आंसर डू इन कॉपी।